अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 2 फरवरी और कुवैत से कुछ लेटेस्ट अपडेट है, देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों प्रवासी को लेकर के वीज़ा रिन्यूअल और जो उनका इंश्योरेंस फीस है उनको लेकर के कुछ अपडेट आया है। चलिए दोस्तों, कुवैत से सभी अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो पहली अपडेट है कुवैत से बता दें कि जैसे कि बताया गया था कि जितने भी प्रवासी हैं कुवैत के अंदर अगर वो एकामा लगाते हैं, रिन्यूअल करते हैं, तो उनको हेल्थ इंश्योरेंस फीस 130 KD 130 KD तक पर ईयर पेड करना पड़ सकता है या फिर 2 साल का एकामा होता है तो। लेकिन दोस्तों इनको लेकर के अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ कुवैत के तरफ से यानी कि रोक लगा दिया गया है अभी भी, यानी कि जो भी प्रवासी एकामा रिन्यूअल करते हैं या फिर नया एकामा लगता है तो उनको इंश्योरेंस फीस पेड नहीं करना पड़ता है, उनको डिक्लाइन कर दिया है फिलहाल अभी तक। जैसे कि पहले कहा जाता था कि नया साल पे लागू हो जाएगा, लेकिन फाइनली दोस्तों अभी भी अगर आप एकामा रिन्यूअल करवाते हैं तो उसमें आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस फीस है 130 KD वो भरना नहीं पड़ेगा। नहीं तो जिनका भी एकामा अगर 700 KD है तो जो भी बाहर में लगाते हैं एकामा, बाहर काम करते हैं, उनके लिए काफ़ी दिक्कत हो सकता था, लेकिन फाइनली अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से इनको डिक्लाइन कर दिया गया है। कुवैत से अगली अपडेट दोस्तों, कुवैत के अंदर कुवैती जैसन करके एक सिस्टम चला गया था लेकिन अभी उनको हटा दिया गया है। यहाँ पे बता दें कि इस विभाग के अंदर जो प्रवासी है उनके लिए 625 वैकेंसीज निकला है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 625 वैकेंसीज आर ओपन फॉर एक्सपर्ट्स। कुवैत का जो सिविल सर्विस कमीशन है उनके तरफ से बताया गया है कि जो बैन था उनको लिफ्टेड हटा दिया गया है और एक्सपर्ट्स प्रवासी इन सभी वैकेंसीज के अंदर यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मेडिकल लाइन में अभी बताया गया है कि यहाँ पे 77 डॉक्टर का रिक्वायरमेंट है, उनके साथ ही यहाँ पे 485 नर्सिंग स्टाफ, 52 टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट के भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी जो वैकेंसीज है दोस्तों गवर्नमेंट विभाग में है, जो लोग भी इसके लिए एलिजिबल है वो लोग अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों कुवैत से ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले अपडेट तक।